भगवान पूज्य पाद स्वामी ने समाधि तंत्र में इंद्रिय विषय में कोई क्षेम नहीं है, कुशलता नहीं है, फिर भी अज्ञानी प्राणी उनमें रमण को प्राप्त हो रहे हैं। तो रमण को प्राप्त हो रहे हैं, क्षेम नहीं है, कुशलता नहीं है, तो श्रमण श्रमणियों को तो ये चिंतन करना है। और बहुत सारे द्रव अहिंसा हिंसा का विकल्प बाहर चल रहा है, देखो ठीक है, उन व्यवहारिक क्रियाओं में आप न डूब करके उनसे ऊपर उठ चुके हो। यहाँ आपको यही चिंतन करना है, इनमें क्षेम नहीं है, इनमें क्षेम नहीं है, कुशलता नहीं है, फिर भी अज्ञानी प्राणी मोह के बस होकर के उन्हीं में रमण करता है। और जिस दिन मोह शांत हो जाएगा उस दिन वही उनको और जब तक मोह की तीव्रता है तुम तत्व ज्ञान की बात करोगे वे कसाई को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जैसे माँ दूध में जामुन डालती है उसे भी ज्ञान होता है, दूध उबालेंगे नहीं तो जामुन नहीं डालना, अवक्ष हो जाएगा। पर उबलते दूध में जामुन डालोगे तो दही नहीं बनेगा। जब अल्प सौदा सौदा गर्म रहे तब दही में जामुन दूध में डालो तो दही सुंदर बनेगा, और मटकी का दही और ही सुंदर बनेगा। इसी प्रकार से पात्र को देख करके समय के अनुकूल लेसा स्थान मध्यम अंश में होते हैं तब जीव के आयु का बंध होता है। बराबर अत्यंत मंद उदय में उबालने के बाद अत्यंत ठंडा हो गया उसमें जामुन डालोगे वो दही नहीं बनेगा। बस इसलिए भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमटसार जीव कांड कर्म कांड में एक कर्म बंध की प्रक्रिया की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मुनिराजों को समझ लेना चाहिए। तो निरपेक्ष अपने के चलते आगे, अभी हमने कहा कार्य की उत्पत्ति हेतु छह है, अब यह विषय परिवर्तित होता है। सुख जो अनाकूल है उसका हेतु निरपेक्षता ही है। आध्यात्मिक सुख का हेतु निरपेक्षता ही है। इन माता जीओं से प्रश्न करो, आप लोगों को अपने घर जैसी अनुभूति हो रही, यदि हुई तो सफेद साड़ी से क्या प्रयोजन। जितने अंश में आपने नीले पीले वस्त्र छोड़े हैं उतने अंश में आपको निराकुलता का आनंद आना चाहिए। जितने मुनिराज वस्त्र छोड़े हैं तद्दन निराकुलता का आनंद आना चाहिए। निरपेक्षता ही आनंद है, इसके आगे कोई सूत्र नहीं, निरपेक्षता ही आनंद है। पर से निरपेक्ष सुमे सापेक्ष, पहले पर पदार्थों से निरपेक्ष हो, पर पदार्थों के ममत्व से निरपेक्ष हो, फिर आप कसाय से निरपेक्ष हो, इंद्रियों से निरपेक्ष हो, मोह से निरपेक्ष हो, जब निरपेक्ष हो जाओगे कुछ बचा ही नहीं। जिस व्यक्ति ने मीठे उसे जलेबी रसगुल्ले बालूशाही पेड़े इमरतियां त्याग करने की आवश्यकता क्या, उसने तो
जड़ी समाप्त कर दी, ठीक है, जड़ी समाप्त कर दी। इसी प्रकार से जिसने मोह की जड़ समाप्त कर दी, अब कुछ प्रश्न ही नहीं है, संसार समाप्त है। इस बात को जान करके आनंद लेना अलग विषय है, इस बात में जी करके आनंद लेना अलग विषय है। अब जे नहीं, यह निरपेक्ष न मिथ्या नहीं हो रहा है, हमने स्पष्ट कर दिया। सो सापेक्षता से युक्त है पर निरपेक्ष, मिथ्या नहीं। यह निरपेक्ष का अर्थ लग रहा मध्यस्थ, उपेक्षा, ठीक है। जैसे वृद्ध महाराज जी विराजमान है, ठीक है, अब इनसे हम पूछे महाराज जी क्या प्रभावना करने जाना है, महाराज जी क्या कोई ढोल ढमाके बजवाना है, सुनते जाना। अब वयोवृद्ध हैं, गुरु के पास हैं, कोई अपेक्षाएं नहीं है, मन में भी कर दे, उस जीव से सुखी कौन मिल सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं। प्रभावना का भाव भी आत्मा को कष्ट देना है। प्रभावना का भाव भी आत्मा को कष्ट देना है, इसलिए आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा दांत पूजन पूजा विद्या संजन धर्मा। इस सूत्र में सारी बातें कर दी, निश्चय प्रभावना रत्नत्रय के तेज में लीन, पर एक तो जिन साल समाप्त हो जाएगा, इसलिए व्यवहार प्रभावना भी अनिवार्य है। तो जो जिनके योग्य हैं, जो अध्यात्म में डूबे हैं, वे व्यवहार का किंचित भी विरोध न करें, नहीं तुम हत्यारे कहलाओगे। जो व्यवहार में तल्लीन है, वे निश्चय का बिल्कुल ही विरोध न करें, आत्मविद्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए परस्पर गुरु जीवाना, अगर मन में आता भाव तो वितराग का भाव बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तुम अपने भगवान दोगे नहीं, दूसरे आंखने वाले चलते रहेंगे, तो यही दिगंबर धर्म समाप्त हो जाएगा। हम चित्रों को पूज्य मानते ही नहीं है, हम चित्रों को पूज्य मानते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारा काम ऐसे समाप्त हो जाएगा। चिरम सुता हम तमसी मूढ़ात्मा कौन सु, अनात्मी आत्मभूतेषु महमिति जागृति। जैसे पति पत्नी को ब्रह्मचर्य भी लेना है, तो आप दोनों की इच्छा से लो, दोनों की इच्छा के बिना नहीं लेना। पत्नी कह रही तुम ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, तो उनसे मतलब नहीं, कोई दूसरे से मतलब हो जाएगा, तुम पत्नी को विचारणी बनाओगे। पति कह रहा है तुम तो ले लो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, और स्वतंत्र हो जाएगा स्वच्छंदी, ठीक है। तो जैसे परस्पर ब्रह्मचारी विचारी ब्रह्मचारी न बने, इसी प्रकार से धर्म के कई मार्ग हैं, पुण्य धर्म भी है, चारित्र धर्म है, उपेक्षा धर्म है। ये सारी अवस्थाएं योग्यता के अनुसार करेगा जीव। बाजार में
अनेक प्रकार की क्वालिटी की वस्तु नहीं रखी जाएगी तो देश के लोग नष्ट हो जाएंगे। जिनमें जो क्षमता है अपनी क्षमता से वस्तु का खरीदेगा, ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों में जो योग्यता है अपनी योग्यता से धर्म करेगा, धर्म का लोप नहीं होने देगा। इसलिए उपेक्षा धर्म है, इसे समझिए। कल मिलो आप, उपेक्षा धर्म है, सर्वत्र लगेगा। किसी व्यक्ति ने अपने घर में गृह चैत्यालय बना लिया, आपको तो अपेक्षा दिखेगी, आपको तो अपेक्षा दिखेगी। उपेक्षा के भेद करना सीखो। उसने जिन देव की प्रतिमा को रखा है अन्य देवों की उपेक्षा की है, समझ गए? उपेक्षा, ये मुनिराज बने हैं दिगंबर, इन्होंने अन्य लिंगों की उपेक्षा की है। आप यह जिनवाणी सुन रहे हो अन्य वाणियों की उपेक्षा की है, समझ गए? उपेक्षा भी अपेक्षा कृत है। अनेकांतोपि नेकांत, अनेकांत भी एकांत है, अनेकांत भी अनेकांत है। तो मिथ्या दृष्टि का भी हाँ, अब मिथ्या दृष्टि उपेक्षा कर रहा जिन शासन से, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। वो विपरीत मार्ग की अपेक्षा कर रहा है, वो सम्यक मार्ग की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। इसलिए क्या हो रही है? आपकी बुद्धि बाहर के बिना कुछ कर नहीं सकती। फिर बाद में मिलेंगे अपन। जिन देव के साथ जो भी है उन्हें आप ये देखो, वे आयतन भूति के अनायतन भूत, ठीक है? इसके लिए आपको आगम का अध्ययन करना पड़ेगा सहज भाव से, और आक्रोश भाव से पढ़ोगे तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो मैंने बता दिया, त्रिलोक परिणति पढ़ लीजिए। त्रिलोक परिणति में 24 तीर्थंकरों के सबकी व्याख्या की गई है, ठीक है? तो मंदिर का जो रूप है उसको देखिए आप, समोषण भगवान का समोषण देख लीजिए। तो तीर्थंकर का मंदिर समोषण होता है, समोषण की जो व्यवस्था है वे व्यवस्था आपको देना चाहिए। समोषण में देवियों का अलग स्थान है, देवों का अलग स्थान है, और आर्काओं का अलग स्थान है, त्रिंचों का अलग है, मनुष्यों का अलग है। बस वैसा आपको बनाना चाहिए। समोषण मंदिर बनाते बनाते कि नहीं बनाते आप? बस तो बस तब तुम मिथ्यात्व में चले गए। सुनो पंडित जी, सुनो, मिथ्यात्व में कैसे चले गए? मिथ्यात्व में जाने के अनेक अनेक अर्थ हैं। क्यों अपन परपंच के छेड़े अपने समय बर्बाद हुए, ठीक है? आप समझ रहे हो, जिन्हें रखने उन्हें मान्य नहीं है, जिन्हें नहीं रखने उन्हें मान्य नहीं है। हम जैसे जीव ना, जो है सो है। जिन देव को नमस्कार करो, आगे बढ़ो, देखो जानो, जाने दो भाई, चल रहा है हमको। माता जी, कौन से घर से आई हो? घर में अन्य लोग थे कि नहीं थे ना? घर में आपको क्या काम करना पसंद था? सही बोलना ईमानदारी से। बर्तन मांजना कि झाड़ू लगाना कि भोजन पकाना कि पूजा करना कि पूरे घर के कपड़े धोना? सही बोलना। पढ़ाई करना
अच्छा पढ़ाई करना था, ठीक चलेगा। अब प्रश्न है शेष ये जो इतने काम मैंने बोले वे घर में आवश्यक थे कि नहीं, तो कोई ना कोई करने वाला था कि नहीं, ठीक। यदि आप वास्तव में पढ़े लिखे हो वहीं शांति से नोट लगाते जाते, हमारे घर में इतने लोग रजक हैं, इतने लोग एवं भूतने से धोबी हैं, झाड़ू मारने वाले हैं, घर की नाली साफ करने वाले हैं, बच्चों को खिलाने वाले हैं, रसोईया भी हैं, बराबर। आप सबसे कहो सभी पढ़ो, वो संभव नहीं है, समझे। इसी प्रकार से जिन्हें भगवान बनना है उसी भव से अथवा शीघ्र पर्यांतर में भगवान बनना है, वे ये विकल्प नहीं करेंगे झाड़ू लग रही कि नहीं लग रही, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, अब हम बिल्कुल उपेक्षा में जा चुके हैं, इनको पूछना हमारे संग में मुनि संग चलता है, कार्य तो होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता यहाँ पर कुछ भी। बड़े महाराज क्या बोले तो भी विश्व श्री अम्मा हमसे एक दिन बोली, बोले अच्छा श्री चाहते हैं आपको कुछ आगे बढ़ाना, तुम तो डांटना भी नहीं जानते हो, ठीक है। हमने कहा गुड़ खाने से काम चल सकता है तो जहर खिलाने की क्या आवश्यकता। देखो माता जी, यदि आप उपेक्षा में जियोगे शेष काम जो करना जानते हुए कर लेंगे। इसलिए हम मंदिर नहीं बनवा रहे, हम तीर्थ नहीं बनवा रहे तो क्या नहीं बन रहे? मुझे मालूम है मर रहे हैं, हम आपको दीक्षा नहीं दे रहे तो क्या आप लोगों को दीक्षा नहीं हो रही? हो रही है, मालूम है। श्रमण श्रमणियाँ दोनों नहीं होंगे तो चतुर्वेद संघ कैसे चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको अपेक्षा आ रही है तो फिर आप अपेक्षा में जाने की कोशिश मत करना, आप तो उपेक्षा में ही जाइए। हाँ, आलसी की उपेक्षा होती नहीं है, आलसी तो प्रमादी होता है। उपेक्षा का अर्थ आलस नहीं है, उपेक्षा का अर्थ है पूर्ण विवेक के साथ निज में रमण करना। भाई बहुत समय हो गया, अब कल मिलते हैं, ठीक है। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो सुसारो।